नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश कुमार। दोस्तों, खबर आ रही है कि मुंबई इंडियन ने क्विंटन डी को खरीद लिया है और मुस्तफिजुर रहमान और धनंजय को रिलीज कर दिया। दोस्तों दोस्तों लास्ट ईयर जो 2018 में क्विंटन डी ने आरसीबी की तरफ से खेला था और 201 रन बनाया था। दोस्तों खबर आ रही है कि क्विंटन डी को आरसीबी ने 2.8 करोड़ में खरीदा था और इन साल भी मुंबई इंडियन ने क्विंटन डी को सेम अमाउंट 2.8 करोड़ में खरीद लिया है। दोस्तों और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्विंटन डी साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बैट्समैन हैं और जो ऑक्शन होने वाला है मिड दिसंबर में, उसमें शायद मुंबई उनको खरीदने वाला है। और दोस्तों क्विंटन डी का स्ट्राइक रेट दोस्तों 124.07 है, 124.07 के औसत से उन्होंने अगले साल बेंगलोर की तरफ से रन बनाया था। और दोस्तों श्रीलंका ऑफ स्पिनर अकीला धनंजय को 50 लाख में उन्होंने शायद खरीद लिया है और एमआई मुंबई इंडियन के विकेट कीपर ईशान किशन एंड आदित्य तरे उनको शायद उन्होंने रख लिया है। लास्ट एमआई यूज्ड रेटिंग और इवन लुइस सूर्य कुमार यादव जो फर्स्ट और सेकंड ओपनर बैट्समैन है उनका, और किशन जो नंबर 3 में आते थे। तो दोस्तों यही था खबर हमारे, लेकिन जो दोस्तों ऑक्शन होने वाला है वो मिड दिसंबर में होने वाला है, लेकिन खबर दोस्तों अभी से आ रही है। तो दोस्तों यही था खबर दोस्तों, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।